और मम्मी ने पहले से ही पापड़ सुखा के रखे हैं। और यहाँ पे ये हो गया मंडवा, ऐसे मैंने इतने तो काट ही लिए हैं, अब इतने से बचे हैं। मम्मी ने आज बहुत टाइम से पत्यूर बना रखे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों मेरा प्यार भरा पहला, कैसे हो सब? बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो दोस्तों मैं मस्त, तो आगे फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से और धूप भी आ चुकी है बहुत तेज़ वाली। तो ना आज का मौसम कुछ इस तरह का है। होप नाश्ता हो गया होगा, हमारा भी हो गया नाश्ता, कब का ही कर लिया था। ये रहा आज का मौसम। होप नाश्ता हो गया होगा, बट अभी मेरा नहीं हुआ है, बस जस्ट करती हूँ नाश्ता और आपको भी दिखाती हूँ नाश्ते में क्या बना रखा है मम्मी ने। तो उसके बाद ना आज मेरा बहुत काम है। आज मैंने धरूर के जो डंडे होते हैं ना उनको ना पतले करके काटने हैं, फिर सुखाने डालने हैं। तो ये रहा आज का नाश्ता। रोटियाँ तो हैं बट मम्मी ने ना आज बहुत टाइम से पत्यूर बना रखे हैं। तो ना मेरा नाश्ता भी हो गया है, अब फटाफट से ना धरूर काटना स्टार्ट कर देती हूँ। ये देख सकते हैं, ये है, इसको काटना है मैंने। अभी इतने मोटे ना, इनको पतले पतले करने हैं। और मम्मी ने पहले से ही पापड़ सुखा के रखे हैं। और यहाँ पे ये हो गया मंडवा, तो ये ना जरूर। ऐसे मैंने इतने तो काट ही लिए हैं, अब इतने से बचे हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से काटने इनको। ये तो और मोटे हो रहे मेरी वजह से, मम्मी बोले और पतले कर, मेरी बस की नहीं है। अभी इतने सारे बचे हैं और इस तरह से काटने इनको। ये तो मैं इतने काट रही हूँ बकायदा, जो काटेगा मम्मी मीत के काटा हूँ, बस इतने ही काट। तो पहले ये इस तरह के हैं, फिर को ना कटिंग करके ऐसे करने हैं, धरूड़ बोलते हैं इनको। और ये तो मम्मी ने काट रखे पहले इसके पत्ते, तो इसके डंडे इनको ऐसे काटने पे सुखा के ना बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी, टेस्टी टेस्टी। इतना सारा है अभी, दोस्तों मैंने धरूड़ भी काट दिए हैं, अभी बच्चे हैं। देख सकते हैं थकान भी होगी है बहुत, मम्मी चली गई है घास, और मतलब घास जो गायों के लिए ना वो चली गई है वहाँ बेचम। तो ना थोड़े से और बच्चे हैं, इनको भी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या काम है। थकान हो रही है वैसे, धूप में तक गंदा हो रहा है ना। तो मैं मम्मी से बोल रही मैं नहीं काट रही अब, मम्मी बोल रही अपने पापा के आने तक काट ले। पापा भी ना खेत पर गए हैं बोने हल जोतने के लिए, तो ना पापा के आने तक जितने काट पाती हूँ काट लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ना दोस्तों बड़ी मुश्किल से ना फाइनली मैंने पूरा काट लिया है इसको, देख सकते हैं इसमें इतना सारा और रखा है, बड़ी मुश्किल से काटे, वो भी कड़ी धूप में। देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा था। अब फटाफट से ना बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ। थोड़ा दोस्तों एक काम भी हो गया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, तो अब ना फटाफट से सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, आज तो बहुत ही बेकार हो रखे हैं। वैसे तो इन गर्मी के टाइम में ना जितना नहाओ उतना अच्छा है, गर्मी से ना अभी नहा के ना थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि नहा ही नहीं हूँ, तभी मैं नहा ले रही हूँ अभी से। तो दोस्तों मैंने नहा भी लिया है और आपसे ना नहा के मिल रही हूँ सीधे। तो दोस्तों देखते ही देखते मौसम कितना ख़राब हो गया है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो अभी ना मैं खेत आई थी, हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, अभी तो स्टार्ट होने लगी फिर से। मैं ना खेत
गोबर पहुंचाने आई थी, ये रहा कट्टा, छी मेरे मुंह पे जो लग गया। चला देखते हैं शाम के टाइम पे कैसा मौसम रहता है, अभी 3 बजे तो ऐसा मौसम है, शाम के टाइम पे देखते हैं।